नाथखानों का पैसा लेना जायज नहीं है, ये जो मतलब है ना कि उजरत अगर ले तो नाजायज है, ये तो इस पर तो मैंने एक रिसाला भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखा और कब का बरसों पहले छप भी गया। मैं तो आप लोगों के यहाँ आता था, कभी मैंने पैसे तो लिए नहीं है। ये कोई भी नहीं बोल सकता कि हमारे यहाँ आया था तो उसने बोला इतने पैसे दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेता भी नहीं हूँ बयान के पैसे, पसंद भी नहीं करता। ताहम ये के एक दौर था कि इमामत और तदरीस जो कुरान पढ़ाते हैं, इल्मे दीन पढ़ाते हैं, ये मौज़िन की उजरत ये सब हराम, यानी इसको बोलते असल मजहब पर ही सब हराम है। फिर बाद में यही वाज की उजरत भी हराम थी। फिर बाद में जब लोगों में सुस्ती आई, पहले लोग भी बगैर मांगे बगैर बोले खिदमत करते थे उलमा की, तो यूँ ज़रूरत नहीं पड़ती थी, गुजारा हो जाता। बाद में लोग इस तरफ से कुछ सुस्त हुए देने के मामले में, अब उलमा अगर खाएंगे तो सही ना, बच्चों को भी खिलाएंगे, ये कारोबार की तरफ मुतवज्जे हुए, तो यूँ वाजो नसीहत की मसनत जो थी ये वीरान होने लगी। अब मुसलमानों को नेकी की दावत कौन देगा और इनको अकायद कौन बताएगा, कुरान कौन सिखाएगा। हम मुसल्ला भी पहले फ्री पढ़ाते थे इमाम, अब वो पाँचों टाइम नमाज कौन पढ़ाएगा, पहले लोग खिदमत कर देते थे, अब नहीं करते, इमाम खाएगा क्या हवा। हम माल माल खाएं और इमाम कभी हलवा खाए तो बोले मौलाना हलवा खाता है। अरे भाई तू कितने हलवे और जलवे करता है, अपने को देखना, मौलाना का दिल नहीं है। खैर तो ये अपने इसलिए वो फिर बाद में मुतअख्खिरीन कहलाते हैं, मुतकद्दमीन के नज़दीक तो नाजायज वाज की उजरत थी। अब जो बाद के उलमा तशरीफ लाए तो उन्होंने मतलब जैसे फकीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ने भी हवाला दिया, ये भी पहले नाजायज बोलते थे, फिर इन्होंने वो रुजू किया कि इन्हें फिर क्या कि अब ये जायज मैं कहता हूँ। तो इस तरह मतलब ये कि ये वाज की उजरत जायज है, लेकिन चूंकि पहले भी ये मना तो थी तो बचना बेहतर है। अच्छा अब जहाँ उजरत होती है तो वहाँ तय करके लेना होता है, उजरत का ये भी मसला है कि जो देना हो दे देना, जो लेना हो ले लेना, जहाँ के अंडर शूड है कि मिलेगा तो सही, तो फिर वाजिब तर्क हुआ कि वाजिब है कि तय कर ले जब उजरत। अच्छा अब मौलाना मांगे तो फंसे, ना मांगे तो दे नहीं कोई, अब करे क्या। अब मैं जैसे कि मैंने बहुत सारे निकाह पढ़ाए, दावत इस्लामी वाले शुरू में हर फर्द जाता था कि मैं उसका निकाह पढ़ाऊँ, मैं इसकी महफिल नात भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहन दिया इस्लामी भाइयों को। पहले फंक्शन होते थे, ढोल बजते थे, समझे, तो हमने फिर क्या इसके बदले नात खानी करो। हर जगह महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं जाता था, वली में भी शरीक होता था। अब ये कि निकाह मैंने, मुझे पता नहीं मैंने कितने निकाह पढ़ाए, कितने जनाजे पढ़ाए, कभी भी निकाह पढ़ाने के मैंने पैसे नहीं लिए, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ना मांग कर लिए ना किसी ने पेश किए, मुझे याद नहीं किसी ने पेश किए हो, कभी मांगता नहीं है तो चलो बेचारे को दे दो, ये रक्शे में आया है, टैक्सी में आया है, बस में लद के आया है, यार इसको पैसे तो लगे होंगे ना। ये भी आजमाइश है कि मैं टैक्सी तक में गया हूँ लेकिन दूल्हा ना दूल्हे के घर वालों ने कहा मुफ्त तो पड़ा, इसको पूछो सी टैक्सी का किराया लेगा कि नहीं लेगा, मैं ना लूँ भले लेकिन पूछे तो मुझे अच्छा तो लगे ना यार कि चलो बेचारों ने कुछ तो मेरा ख्याल किया। तो फिर मौलानाओं के साथ ये अशर करते हैं हम लोग, वो हमारी गुजराती में कहावत है, बोले तेना बोर वेचाए, जो बोलता है उसके पैर बिकते हैं, अब जो मांगता है तो उसको बुरा भला कहते हैं, नहीं मांगता उसको किराया भी नहीं देते, मैं पैदल चल चल कर आना जाना किया हमने बयान के लिए, वो लंबे लंबे आने का चंद चंद माइल के सफर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुदा ना खास्ता शिकवा नहीं कर रहा, मैं अपनी बिरादरी की साइड ले रहा हूँ। अब मैं तो दुनिया से दर, अब मैं कितना रहूँगा, मेरी तो 70+ एज है, लेकिन मेरी बिरादरी तो अपनी, आपकी बिरादरी आपको अजीज होगी, ये उलमा अइम्मा किराम मौज़िनीन ये मौलाना तबका जो, ये मेरी बिरादरी है, तो मैं इनके साइड तो लूंगा ना, क्या जायज तरीके पर बेचारों की खिदमत तो करो, ये खाएंगे क्या यार, बच्चों को क्या देंगे, लिबास क्या पहनाएंगे। ये आम तौर पर मैं सही बोलता हूँ कि ये तबका जो उलमा का इमामों का ये या तो मुतवस्सित ना दरमियाना होता है या गरीब होता है, इनमें मालदार तो शायद ही कोई मिलेगा जिसकी बहुत अच्छी आवाज हो और धूम धड़क का उसका बयान हो और लोग अश अश कर उठते हों, और वो लेता हो 40,000 50,000, वो अब तो सुना, वो 40,000 तो कम है, 1.5-1.5 लाख की आवाज़ तो बहुत पहले सुन चुकी सुन चुका हूँ मैं, समझे।
तो इससे कम होंगे, लेकिन कोरोना ने इनका भी बाजार ठंडा कर दिया। कौन बुलाएगा इनको, अब क्या खाते होंगे बेचारे। अच्छा फिर ये रोज वाज नहीं होते, इनका भी उलमा का भी बयान का जो इस तरह जलसों में खिताब फरमाते हैं, इनका सीजन होता है, आला हज़रत के उर्स पे लोग बुलाते होंगे। अच्छा फिर अपने बारहवीं शरीफ फुल सीजन, इनका और नातखान होगा, नातखान भी आपको जवाब नहीं देगा, कंवारा जो नातखान होगा शादी भी नहीं करेगा, जो मतलब यानी कि बहुत शौकीन होगा या खुदा ना खास्ता पैसे लेता होगा। नातखानों को पैसे लेना जायज़ नहीं है, ये जो मतलब यानी कि उजरत अगर ले तो नाजायज़ है, ये तो इस पर तो मैंने एक रिसाला भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखा और कब का बरसों पहले छप भी किया, कि नातखान को अगर पैसे नहीं भी वो नहीं पड़ेगा तो कोई इस्लाम का नक्शा नहीं बिगड़ेगा, और फी सबीलिल्लाह नात पढ़ने वाले एक से एक पढ़े पढ़ते ही हैं। तो कुछ नातखान होते जो पैसे लेते हैं, सब नहीं लेते, कुछ लेते हैं। तो इसके अगर ये बतौर उजरत या तय करे या अंडरस्टूड है तो ये उजरत ही है, और वैसे अगर तय नहीं है ना अंडरस्टूड है और उठाकर कोई लाख रुपए दे दे नातखान को, वो जायज है, उसमें कोई हर्ज नहीं। या वक्त की उजरत तय करता है, टाइम की, दो घंटे के इतने लूंगा, मैं दो घंटे आ जाऊंगा, जो भी काम लेना नहीं लेना मैं आपके पास बैठ जाऊँ दो घंटे मेरे, ये वक्त की उजरत जाए तो आप उस पर नाते पढ़ा लो, ये एक हीला है इसका नातखान का। तो बहरहाल ये उलमा का उजरत लेना देना ये सब जायज है, ठीक है ना, लेकिन मायूब अब भी है, वरना माइक पकड़ के खड़े ना होते, आप एक नहीं है। मेरे जमाने से जब दावती साहब नहीं थी तब से फुला इतने लेता है, बुलाते उसी को, वाज उसी का करवाते, मजे और नारे उसी में लगने, बुरा भला भी उसी को बोलते थे, पैसे बहुत लेता है, ये करता है वो करता है, बगैर कार के नहीं आएगा तो फुला करेगा, तो कार का अपनी कार है तो पेट्रोल मांगता है, अरे भाई क्या करेगा यार, पानी डालेगा उसमें। अब तुम बोलो, अब ये रहता है खारादर में, तुम बोलो कि मतलब नूरियाबाद में, तो ये कार में आएगा तो 1500 का तो बेचारे का आने जाने पेट्रोल जल जाएगा, ये क्या करे। और आप अगर ये बोलता नहीं है तो आप पानी भी नहीं पिलाते, इसका क्या इलाज। तो इसलिए बहरहाल उजरत जायज़ है, अलबत्ता मैं मतलब यानी कि यही बेहतर समझता हूँ कि उलमा हजरात अगर अपना इनका कोई है आमदनी का जरिया और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर ना लें, तो इनके लिए भी बेहतर है, उम्मत के लिए भी बेहतर है कि लोग फिर इनसे कतराते हैं, बुरा भला बोलते हैं, दीन से दूरी का सबब बनता है। अलबत्ता कोई अगर लेता है जायज तरीके पर, इसको जो बुरा भला कहेगा तो खुद गुनाहगार होगा, कि जब शरीयत इसको बुरा नहीं कहती, मैं और आप क्यों बुरा कहें।